यार कुछ लाइव टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए अब राज्यों के चुनाव जो है मुसीबत बनते जा रहे हैं और सबसे बड़ा भी उदाहरण है कर्नाटक। कर्नाटक इलेक्शन गोइंग स्टेट है, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना है वहां पर, और कर्नाटक जो राज्य है वहां बीजेपी सत्ता में है अब जैसे भी हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहां के जनता ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मन बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता में वो रहते हुए अब देखना नहीं चाहते हैं। उसके अनेकों अनेक उदाहरण आजकल सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अब विषय हुआ है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के ही नेताओं ने येदुरप्पा जी की गाड़ी को घेर दिया, नारेबाजी करी, उनका विरोध किया। और येदुरप्पा जी से बड़ा कोई नेता नहीं है बीजेपी का, साउथ इंडिया में कहा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके हाथ में पूरी कमान है चुनाव की, और मोदी जी भी बार बार उनको समय देने में मजबूर है। ऐसे में येदुरप्पा जी का इस तरह से विरोध होना और मजबूरी में येदुरप्पा जी का नाराज होकर रोड शो पूरा कैंसिल करके वापस जाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है तो और क्या है? इसका सवाल आप खुद पूछ सकते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, एबीपी न्यूज ने लिखा है कर्नाटक इलेक्शन 2023 बीएस येदुरप्पा की कार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेरा, रद्द करना पड़ा प्रचार, जाने क्या है मामला। और मामला सिर्फ यही नहीं थमा है, येदुरप्पा जी के बेटे जो विधायक है करंट, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया है जो बीजेपी के कई नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। पहले ये वीडियो देख लीजिए कि कैसे येदुरप्पा जी को विरोध का सामना करना पड़ा अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से, देखिए। दोस्तों देखा आपने किस तरह से येदुरप्पा जी को घेर के वापस भेज दिया बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने। इसके पीछे बीजेपी की अंतरकला का होना बताया जा रहा है। बीजेपी में कितनी अंतरकला है कर्नाटक में, येदुरप्पा जी को लेकर है, बुम्बई जी को लेकर है, या दूसरे नेताओं की तरफ से है, वो जनता अच्छे से जानती है। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, या वर्चस्व की लड़ाई है। बहुत सारे नेताओं ने खुशी जाहिर करी थी कि अंदर ही अंदर कि येदुरप्पा जी अब रिटायर हो गए हैं, अब उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन बेटे की सक्रियता से बहुत सारा विवाद जो है अब सामने आने लगा है। एवीपी ने इसको लेकर विस्तार में लिखा है, येदुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा गुरुवार यानी 16 मार्च को चिकमंगलूर जिले के मुदिगेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहुंची थी। यहां सीटी रवि के समर्थक, सीटी रवि बड़े नेता है, सीटी रवि के समर्थकों ने येदुरप्पा की कार का घेराव किया और विधायक एमपी कुमारस्वामी को विधानसभा का टिकट न दिए जाने की मांग की। ये बहानेबाजी होती है। कुमारस्वामी मुदिगेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक और कार्यकाल की आस लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते नाराज दिख रहा येदुरप्पा को रोड शो रद्द करना पड़ा। आगे एबीपी लिखता है, पार्टी के मतभेद सामने आए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार येदुरप्पा को फ्री हैंड दे रखा है। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट वितरण से लेकर नई सरकार के गठन तक का कार्य येदुरप्पा के नेतृत्व में ही होगा, जिस पर प्रदेश इकाई में मतभेद देखने को मिल रहा है। आवास मंत्री वी सोमन्ना ने खुद को पार्टी मामलों से दूर कर लिया है, वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति वाले प्रमुख कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी जो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया दिल्ली जाके, वो भी अपने आप में बेटे को टिकट देने का विरोध भी हो रहा है। असल में जो उनकी सबसे सेफ सीट है वहां से येदुरप्पा जी ने अपने बेटे के लिए ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, और वो सीट जो है वो है बीवाई विजेंद्र के लिए शिकारीपुरा सीट। जैसे जब से ऐलान किया तो सीटी रवि नाराज हो गया, उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे ऐलान कर सकते हैं भाई, पार्टी में तो सर्वे के हिसाब से चलेगा, मतलब येदुरप्पा जी कुछ भी हो लेकिन वो कैसे कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर पार्टी आला कमान चुप्पे साधा हुआ है, वो जानता है कितना बड़ा रिस्क है येदुरप्पा जी को छेड़ना। वैसे ही कर्नाटक में ध्रुवीकरण का सहारा लेके बीजेपी चुनावी मैदान में हिंदू मुस्लिम विवाद निरंतर खड़े किए जा रहे हैं वहां पर उनके समर्थकों की तरफ से। ऐसे में येदुरप्पा जी की भी छेड़छाड़ जो हो रही है बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जो येदुरप्पा जी के पुत्र ने बोला है वो बड़ा विषय है।
वो बड़ा विषय यह है कि अखबार ने लिखा है नवजीवन ने हालात पे, कर्नाटक चुनाव में से पहले चरम पर पहुंची बीजेपी की अंतरकला, येदुरप्पा के बेटे ने विरोधियों को दी खुली चेतावनी। अब यहां पर जब पूरा का पूरा कुनबा आलाकमान का कोशिशों में है कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हो जाए, सरकार बचा ले, और रायता फैले जा रहा है, ऐसे में एक के बाद एक नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। और ये जो है बीवा विजेंद्र का स्टेटमेंट, येदुरप्पा जी के बेटे का, ये खुद अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है बीजेपी के लिए, खतरे की घंटी का। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। चुप्पी तोड़ी है, उन लोगों को चेतावनी दी है जो उनके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कौन रच रहा है भाई? उन्हीं की पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग। सीटी रवि साहब का नाम आ रहा है, तमाम उनके समर्थकों का नाम आ रहा है। ऐसे बुधवार रात रानी बेनूर शहर में युवा मोर्चा के सम्मेलन में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि येदुरप्पा की आलोचना करने वालों को सावधान रहना चाहिए, अगर कोई येदुरप्पा की खामोशी को उनकी कमजोरी समझता है तो उसे पछताना पड़ेगा। लोग आरोप लगाते हैं कि येदुरप्पा 81 साल के हैं, इस उम्र में वो राज्य भर के दौरा कर रहे हैं और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या पार्टी में किसी में ये आश्वासन देने का साहस है कि वह राज्य में बीजेपी को सत्ता में ले आएंगे? येदुरप्पा का अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना नहीं है। इस तरह की बयानबाजी कर्नाटक में इतनी उछल रही है जिससे आलाकमान भी अब शायद बीजेपी की डरी हुई होगी। दूसरा विषय, विधायक एमएलसी इनका फंसना है भ्रष्टाचार में। जनसत्ता ने लिखा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला विधायक जी का। जनसत्ता ने लिखा है कर्नाटक चुनावी माहौल में भाजपा पर भ्रष्टाचार का साया, बीजेपी विधायक और उनके बेटे के यहां से मिले थे 8 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी अदालत पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट ले जाके पहुंच गया है। एक और विषय बहुत बड़ा बीजेपी के लिए बन गया है, वहां गायों की मौत हो रही है। जनता से रिश्ता करके एक वेब पोर्टल है, उसने लिखा है कर्नाटक के गांव में गायों की सिलसिलेवार मौत, स्थानीय लोगों ने भाजपा यात्रा पर उंगली उठाई। अब भाजपा यात्रा तो निकाल रही है वहां पर, लेकिन जो सिलसिलेवार गायों की मौत हो रही है वो एक बड़ा विषय है। अब बीजेपी क्या कहे गायों को लेकर, जिम्मेदारी ले, बयान दे, ऐसे ही छोड़ दे, ये गले की हड्डी है क्योंकि उसकी तो राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा, जो वहां के नेतागण है बीजेपी के, उनके यहां से क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो भी सुन लीजिए। टीवी 9 ने लिखा घर में मिली 6000 साड़ियां और 9000 स्कूल की बैग, कर्नाटक में बीजेपी एमएलसी के घर मिला सामानों का भंडार। किस लिए था भैया? लोगों ने कहा बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए है, क्या है ये? चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है, नई मुसीबत लेकर आ रहा है, जो बीजेपी की चिंता भी बढ़ा रहा है, बीजेपी के लिए परेशानी के लिए एक पहाड़ बनता जा रहा है। ऐसे में चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो गया है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, बीजेपी को तो हो ही चुका है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।